आज वेलकम क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली की टीम हरियाणा के जिला गुड़ग्राम के गांव भोड़ा खुर्द में आई है। साथ में हमारे किसान भाई कुलदीप जी हैं। नमस्कार आपको सर। नमस्कार जी। आपने हमारी कंपनी की हाइब्रिड फूलगोभी ट्रायल वाली WS 296 लगाया हुआ खेत में। जी जी जी। ये 5 लाइनें इसकी है हमारी। हाँ जी। तो इसके बारे में बताइए, आपने कब बुआई किया था, कब खेत में रोपाई किया था? देखिए जी, मैंने खेत में रोपाई ये यहाँ पे ट्रांसप्लांट की थी 24/7 को। जी। इससे पहले एक महीना पहले मैंने इसकी पोत तैयार की थी। जी जी जी। 24/7 को मैंने यहाँ पे ट्रांसप्लांट की थी। जी। और 24/7 से आज 2 महीने हो गए जी। जी जी जी। 2 महीने में फूल तैयार है। फूल तैयार है जी। बढ़िया गोभी है जी। जी जी जी। और 5 दिन पहले भी तैयार था जब वजन किया गया था। उस समय वजन किया 450 ग्राम था। 450 ग्राम था। जी जी। और आज इसका वजन 600 ग्राम के आसपास होगा। हाँ जी। हाँ जी। और इसके बारे में खासियत क्या है सर? हमारी जो वेलकम कंपनी की हाइब्रिड फूल गोभी WS 296 है, इसकी खासियत तो देखो जी, अब की दफा प्रकृति की मार बहुत ज्यादा हुई। जी जी। बारिश बहुत ज्यादा हुई, तूफान आया, गोभी खत्म हो गई। जी। उसके बावजूद जी गोभी में कोई नुकसान नहीं है। जी। बनावट अच्छी है, फूल सफेद है और अपने टाइम पे 55 से 60 दिन में गोभी तैयार हो गई। जी। तो कुलदीप जी, आपके खेत में हमारी दोनों ट्रायल की गोभी जो लगी है सब, WS 296 यहाँ लगी है और 298 वहाँ लगी है, दोनों फूल गोभियों के बारे में किसान भाई लोगों को क्या आप संदेश देंगे, रिकमेंडेशन क्या है उनके लिए? देखो जी, 296 और 298 जी दोनों में कोई फर्क नहीं है। जी। बढ़िया गोभी है जी। जैसे मार और गोभियों में मरी थी ना, लेकिन ये मार को झेल गई जी। तो मैं तो यही कहता हूँ, झेल गई तो किसान की उन्नति होगी। जी जी। मैं तो किसान भाइयों से यही संदेश देना चाहूंगा, आने वाले टाइम में अपने खेत में WS 296 और 298 अपने खेत में अवश्य लगाएं। जी कुलदीप जी, आपको हमारे वेलकम क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।